ये आखिरी चुनाव है। मोदी अगर फिर से आए तो नए चुनाव होंगे, नहीं करने देगा और डिक्टेटरशिप आएगी। तुम मानो या न मानो, अभी भी देख रहे हैं आप, परसों ही हमारे पास गए, एक नेता को उधर लेके गए, इंडिया का, गठबंधन का, कौन है? देखो, एक एक को नोटिस देना, डराना, धमकाना, उसकी दोस्ती अगर नहीं छोड़ेंगे फिर हम देख लेंगे। डर के कोई दोस्ती छोड़ रहा है, कोई पार्टी छोड़ रहा है, कोई गठबंधन छोड़ रहा है। अरे, इतने डरपोक लोग अगर रहे तो क्या यह मुल्क बचेगा? क्या यह संविधान बचेगा? क्या यह डेमोक्रेसी बचेगी? इसीलिए यह आखिरी चांस है आपको वोट देने का। इसके बाद कोई वोट नहीं देगा, क्योंकि ये पुतिन, रशियन पुतिन का जो प्रेसिडेंट इलेक्शन होता ना, वैसा ही होते चले जाएंगे। ध्यान में आ रहा है आपको? इसके बाद नो चुनाव। उन्हें अपनी ताकत के ऊपर वो चलाएंगे, चुन के आएंगे, 200 लाएंगे, 300 लाएंगे, 400 लाएंगे, 500 लाएंगे। अगर हमारी सब 543 है तो उसको बढ़ा के फिर 600 भी बना देंगे। तो ये संविधान की रक्षा करना, डेमोक्रेसी की रक्षा करना, इलेक्शन बार बार होना, चुनाव होना, इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आप अगर चाहते हो तो डेमोक्रेसी बच सकती है। अगर आप नहीं चाहते हो, गुलाम रहना चाहते हो, तो फिर आपकी मर्जी। क्योंकि पहले तो गुलामगिरी करके आए ब्रिटिश के जमाने में, और ये एससी एसटी ओबीसी वालों को भी मैं ये कहना चाहता हूं, अरे हमारा देश तो गुलाम था, लेकिन आप लोग गुलामों के गुलाम थे। क्योंकि जितने अमीर थे, अमीरों के पास इन्हों काम करते थे गुलाम, अमीर लोग ब्रिटिश के गुलाम थे, तो वो एक के गुलाम और ये गरीब लोग गुलाम के गुलाम उनके पास काम करते थे। इसलिए सोचो भाई, फिर से आप गुलाम बनना चाहते हो? फिर से आप शिक्षण से दूर रहना चाहते हो? फिर से आप जो आपको हक मिला है नौकरी का, वो जो छीन ले रहे उसको आप मानते हो? देखो, देश में आज भी 30 लाख वैकेंसीज है, और 30 लाख वैकेंसीज मोदी भर रहे हैं। रेलवे में है, पोस्ट ऑफिस में है, पब्लिक अंडरटेकिंग में है, टीचर्स में है, सेंट्रल स्कूल्स में है, सैनिक स्कूल्स में है, ये सब में है। तो 30 लाख लोगों को भरने का काम आपने नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि इसमें एससी एसटी ओबीसी ये लोगों को हिस्सा मिलेगा, वो लोग नौकरी आएंगे, वो लोग नौकरी के पक्के हो जाएंगे, तो इनको जैसे थे 1947 के पहले वैसा ही रखने के लिए मोदी जी ये चाल चल रहे हैं।